हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग हैं उनको प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं कि वीडियो बना रही है। तो फ्रेंड आप, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनम ऋतिक ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, और हम लोग वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे थे आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज 15 से 20 दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, तो आज वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था, और हम लोग बच्चों के तबीयत में ही परेशान थे और मौका नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज सोचे कि जो भी हमारी लाइफ का परेशानी है, दुख है, आप सभी से शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग हमारी यूट्यूब फैमिली है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी को अपने हर लाइफ से जुड़ी चीज़ें बताता रहूँगा और शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, अभी हमारी बीवी उधर है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन कर रही हैं। और इस वाले बाबू का भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है, 2-3 दिन से खाना वाना नहीं खा रहा है। और बड़े वाला बाबू का तो बहुत गंभीर समस्या हो गई थी, आप सभी को तो बताया है अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सोनम जी बैठ गई हैं और अपनी परेशानी जो भी है आप सभी को बताएंगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। और दोस्तों, आज हमारे चैनल पर बहुत दिन के बाद वीडियो पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं बड़ा वाला बाबू का तबीयत खराब था, उसमें हम लोग बहुत परेशान थे, उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गया था। और वो ठीक हुआ, थोड़ा तबीयत उसका अच्छा है, फिर भी वो भी अच्छा नहीं है पूरी तरह, वो भी बीमारी है। और दूसरा वाला बच्चा, मेरा छोटा वाला बच्चा है, जो इसका भी तबीयत खराब हो गया है, ये भी खाना वाना नहीं खा रहा है, फीवर है इसको, बुखार आ रहा है। और फ्रेंड आप लोग तो जानते हैं, हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पर बोलने वाले बहुत सारे हैं। फ्रेंड वीडियो बनाते हैं, इसको लेकर हमको टेंशन है, क्योंकि बोलते हैं वीडियो बनाती है उसका ये। और फ्रेंड आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली है, इसलिए हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और अपना लाइफ का हर एक बात, दुख या सुख को आप लोग से शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, इसलिए आप लोग से बात कर हमको बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं, तो कुछ लोग हैं उनको प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं कि वीडियो बना रही है। तो फ्रेंड आप लोग बताइए, वीडियो बनाना गलत है तो कमेंट में बताइएगा। आप लोग बताइए, जब मेरे दुख या सुख में कोई साथ देने वाला नहीं है तो बोलने वाला कौन होता है? पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बोलते हैं, और जो हमारे साथ देते हैं उन लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो उन लोग को क्या जलन होता है अगर तुम लोग को। क्योंकि दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल बनाई जब, जिस टाइम पे हम ही इनको बोले थे कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, हम ही बोले थे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड आप लोग को पता ही है हम लोग कितना परेशान थे, कितना किस हालात में बनाए थे चैनल। और हालात दोस्तों ये थे कि हम उस टाइम पे ठेला ढकेल रहे थे, और हमारा जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, और मैं ठेला चलाने योग्य नहीं था, मेरे सीने में दर्द होने लगा, इसलिए हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने मना कर दिया भारी काम करने के लिए, और एक हफ्ते के लिए इनको भर्ती भी ले लिया था। तो हमको कुछ समझ लगभग 2-3 महीने से हम रूम पर ही लेटे रहे, आराम करने के लिए बोला था डॉक्टर, तो इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सोनम जी हमको वीडियो दूसरों को देखती थी, अंशु मौर्या जैसे है सर, मनोज सर है, ऐसे लोगों की वीडियो देखती थी, तो भैया और मनोज डे भैया का हम वीडियो देख रहे थे, वो बोलते थे कि चैनल बनाइए पैसा कमाइए, तो उन्हीं लोग का हम देख कर वीडियो सोचे कि क्यों नहीं, मेरे पति काम नहीं कर सकते हैं तो हम तो कर सकते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, कोई काम नहीं करेंगे तो कैसे हमारा घर चलेगा, इसीलिए हम ये सोच कर वीडियो बनाना शुरू किए। और आप लोग जब शुरू किए तो आप लोग का प्यार मिला, हमारी यूट्यूब फैमिली एक एक कर सपोर्ट करने लगी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को इतना प्यार करने वाली यूट्यूब फैमिली है। तो इसलिए सोचे कि जो भी हमारे लाइफ में है सुख या दुख, तो आप लोग से शेयर किया जाए, तो हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं फ्रेंड, क्योंकि आप लोग हमारे सब कुछ हैं, हमारी फैमिली है और बहुत कुछ है, आप लोग सुख दुख सब कुछ में साथ देते हैं, इसलिए हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज इसी बात को लेकर के काफी टेंशन में सोनम जी की वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, मैंने बोला कि वीडियो बनाओ, तुम्हें कोई बोलता है या कोई कुछ भी कहता है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, जो तुम्हारा दिल करता है वही करना चाहिए दोस्तों। तो हम यही इनको बोले हैं कि अपना बनाते हैं, हम मेरे पति मेरे साथ हैं, हम दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं, पर इनको कोई दिक्कत नहीं है, और वो दूसरे लोग को दिक्कत है जो हमारे न सुख में साथ देते हैं न दुख में साथ देते हैं।
और किसी में सपोर्ट नहीं करते हैं, बस बोलने खातिर आ जाते हैं, बोलने के लिए तैयार रहते हैं कि कब इसको नीचे गिराया जाए। तो दोस्तों हर एक चीज में हमको नीचे गिराने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम उन लोग के लिए वीडियो नहीं बनाते, हम अपने यूट्यूब फैमिली और अपने प्यारे दोस्तों के लिए वीडियो बनाते हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उन लोग के लिए बनाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग बताइए, वीडियो हमको बनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, आप लोग वीडियो में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड आप लोग तो हमारे बारे में सब कुछ ही जानते हैं कि हम लोग कितने परेशानी से और कितने दिक्कत से कठिनाई से गुजर रहे हैं इस टाइम, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी के।